हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज का जो दौर चल रहा है वो कुछ इस तरीके का दौर है कि इसमें किसी को भी बिना मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे आप बच्चों की पढ़ाई में ले लो, चाहे अपनी जॉब में ले लो, या किसी भी तरीके से। और कुछ नहीं तो इसी चीज का कॉम्पिटिशन हो जाता है कि रिश्तेदारों के पास ये है और हमारे पास ये नहीं है, यही एक कारण बन जाता है स्ट्रेस का। तो कहने का मतलब ये है कि आज की लाइफ में हर किसी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, और जब स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस से पैदा होता है और आपको दुखी करता है। जब ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो इसका सीधा असर बॉडी के इमोशंस पर पड़ता है। यू फील सैड अगर आप स्ट्रेस में हैं। आपकी कब होंगे आप स्ट्रेस में? जब आपकी मनपसंद काम नहीं हो रहा है या मनपसंद चीज आपको नहीं मिल रही, आप स्ट्रेस में हो जाएंगे। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो इसका सीधा असर आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर भी आएगा, और उसका रिजल्ट ये होता है कि कभी कहीं कुछ दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी लो फील करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, डर लगने लग जाता है, कहीं जॉब ना छूट जाए, कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, कहीं मेरे बच्चे के मार्क्स कम ना आ जाए, मतलब ये एक डर है। तो ये जो इमोशंस हैं, डर का हो, फियर का हो, एंजाइटी का हो, या कंपटीशन का जो एक फीलिंग अंदर बिल्कुल कूट कूट के भर, मैं नहीं कहती हूँ कि कंपटीशन खराब है, कंपटीशन होना चाहिए बट हेल्दी होना चाहिए, जो अननेसेसरी कंपटीशन है उसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो भी चीजें हैं ये स्ट्रेस का कारण बनती हैं, और स्ट्रेस हमारी बीमारी का कारण बनता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही इमोशनली हम हर्ट होंगे, और जब हर्ट होंगे तो बॉडी में कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। आजकल जिसको देखो कुछ दवाइयां खा रहा है, जिसको देखो कुछ ना कुछ बीमारी उसको लग गई है। और जब बीमारी होती है तो सबसे पहला काम, जो सबसे आसान काम है, वो ये करते हैं कि फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स खोलो और एक गोली खा लो, जो कि सबसे गलत चीज है, क्योंकि दवाइयां खा के तुरंत तो शायद आपको आराम मिल गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या हुए वो बाद में पता चलेंगे, वो कहां आपको बॉडी के अंदर इंटरनल नुकसान करेगा वो बाद में पता चलेंगे। और अगर एक बार दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो ये इतना गंदा चक्रव्यूह बन जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बात आती है कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन की, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऑल्टरनेट तरीके से बिना दवाई खाए हम ठीक रहें? और इसी अल्टरनेट मेडिसिन में कई नाम आते हैं, टच थेरेपी, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, और आज मैं बात करूंगी रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्स आपको मैं बताऊं कि हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 800 रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं। अगर उनके ऊपर उन पॉइंट्स का हमें पता हो और उनके ऊपर एक सही मात्रा में प्रेशर डाला जाए तो उससे हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। इसको आप अपने आप भी कई बार अनुभव कर सकते होंगे कि अगर सिर में दर्द हो और आप यहां से थोड़ी देर दबा के बैठ गए तो आपको आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं उनसे आपका हेडेक में कमी आएगी। अगर मान लो आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं बहुत देर तक, तब आप क्या सबसे अच्छा जो रिलैक्स करने का क्या तरीका है कि अपनी उंगलियों को ऐसे लॉक करो, हाथ को सीधा करो और ऐसे करके स्ट्रेच कर लो। बहुत आसान तरीका है, आपने स्ट्रेच किया और पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई। तो इस रिलैक्स करने वाली चीज को कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके वैसे तो बहुत सारे सेंटर भी खुले हुए हैं कि वहां जाके एक्सपर्ट्स इस ये थेरेपी देते हैं, लेकिन आप घर में भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको छोटा मोटा पॉइंट्स का पता चल जाए तो आप उसको घर में भी कर सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या है कि एक प्रॉपर पॉइंट पर, वो पॉइंट हमारे हाथ में होते हैं, कान के रिम में होते हैं, पैरों में होते हैं, तो जहां आपके पॉइंट्स पता है उनको अगर हम प्रेशर देते हैं तो रिलीफ मिलता है, हमें उस टेंशन से छुट्टी मिलती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, डर कम होता है। तो आज मैं बात करूंगी हमारे हाथ पर कौन कौन से पॉइंट है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 4 उंगली और 1 अंगूठा। हर एक के अंदर जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वो हर अलग प्रॉब्लम के लिए है। तो एक एक करके हम बात करते हैं कौन सा उंगली दबाने से कौन सा इमोशन हमारा कंट्रोल होगा और किस बीमारी से हम छूट बच सकते हैं। पहले बात करते हैं अंगूठे से। अंगूठा इज अ एंकर ऑफ फुल हैंड, पूरा हाथ, क्योंकि अंगूठे के बिना तो मुट्ठी भी नहीं बनेगी। तो एंकर से हम स्टार्ट करते हैं। अगर डिप्रेशन है
अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज से चिंतित हैं, आपको डर सता रहा है या आपको घबराहट हो रही है या डिप्रेशन हो रही है, ये इन सारी चीजों से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो पूरी बॉडी आपकी जो है वो धीरे धीरे करके बीमार होती है। ऐसी कंडीशन में अंगूठे को थोड़ा थोड़ा दबाएं और ऐसे खींचे, थोड़ा हल्का हल्का दबाएं और ऐसे खींचे। ये इसका रिफ्लेक्स पॉइंट्स को आप यहां पर दबाएंगे। जब आप 5 मिनट तक इसको करेंगे तो अपने आप ही आपको अंदर से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। उसके दो रिलैक्स क्यों हो जाएगा, एक तो आप इन पॉइंट्स को दबा रहे हैं, दूसरा जब आप पूरा फोकस इन पॉइंट्स पर कर रहे हैं तो आपकी जो चिंता दिमाग में चल रही थी उससे आपका माइंड हटके यहां पर आ रहा है और आप उस डर से, उस एंग्जाइटी से या उस डिप्रेशन से धीरे धीरे करके मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो हुआ अंगूठे का पॉइंट। अब बात आती है अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेट कब होते हैं आप? जब आपके मनपसंद काम नहीं हुआ, आपने बच्चे को कोई काम करने के लिए कहा, उसने नहीं किया, आप फ्रस्ट्रेट झुंझला जाएंगे बुरी तरह। वो झुंझलाहट जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन है। आप ऑफिस में गए, आपने काम तो अच्छा किया लेकिन बॉस ने कुछ कह दिया, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो आप अपना अगला काम अच्छे तरीके से नहीं कर। तो फ्रस्ट्रेशन अगर है तो ये अंगूठे के साथ वाली उंगली, इसको आपने प्रेशर देना है, प्रेशर और हल्का सा ऊपर पुल, प्रेशर एंड पुल। ये बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, आपने उखाड़ के हाथ में जेब में नहीं रखनी है उंगली या अंगूठा। आपने हल्के हाथ से इसको प्रेशर देना है और पुल करना है। जब आप 5 मिनट करेंगे आपको अपने आप रिलीफ मिलेगा। आप बहुत ज्यादा एक इमोशनली आप बहुत ज्यादा अपने आप को लाइट फील करेंगे। कई बार होता है कि इस झुंझलाहट के साथ साथ इरिटेशन पैदा हो जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, डिसिसिवनेस होता है, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और उस हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हमको क्या करना है लेकिन हमको करना है। और ये जो एक एक इमोशन बनता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे लेकिन करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये इससे इरिटेशन होती है। अगर आपको इरिटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी कोई स्थिति आ रही है, तो उसमें आप थर्ड नंबर की 1, 2 और 3 थर्ड नंबर की उंगली को दबाएंगे और हल्का सा पुल करेंगे। दबाना है, हल्का सा पुल करना है, छोड़ना है। या आप खुद ही कर सकते हैं और दोनों हाथ में कर सकते हैं, एक बार एक हाथ में करें फिर दूसरे हाथ में करें, तो ये अपने आप ही आपको बहुत ज्यादा इससे रिलैक्स फील होगा। अब बात आती है कि नेगेटिव, कुछ लोग बड़ा नेगेटिव सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचेंगे अच्छा हो जाएगा, यही सोचते कि ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो जैसे मान लो पढ़ाई की बात, मेरा बच्चा तो अच्छा कर ही नहीं सकता है, सोच लिया, अरे मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, बस मन में सोच लेते हैं ये तो होगा ही नहीं। और ये जो एक नेगेटिविटी की फीलिंग है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती है और वो माइंड जो है वो फिर उस काम में लग जाता है, ठीक है जैसा ये सोच रहा है वैसा ही कर दो, और फिर नुकसान होता है। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, तब आप इस फोर्थ फिंगर को लें। इन फिंगर्स के नाम हैं सबके, लेकिन मैं काउंट करके इसलिए बता रही हूं कि सबको नाम नहीं मालूम होंगे। तब आप इस फोर्थ फिंगर को लें, ये रूल सबके लिए सेम है, दबाना है, हल्का सा पुल करना है। पहले हम छोटे होते थे तो चटकाते थे उंगलियों को ऐसे, वो भी एक रिलैक्स करने का तरीका होता था। अब है नर्वसनेस, आप कोई काम कर रहे हैं और नर्वस हो गए कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, भूल गए, पता नहीं कैसे करना था, याद नहीं रहा, एक नर्वसनेस आती है। और जब नर्वसनेस आती है तो काम सुधरने के बजाय गड़बड़ होते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है, जब नर्वसनेस आती है तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, अपने ऊपर से विश्वास हटना शुरू हो जाता है कि खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी बात हो चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको अपने दिल के अंदर दिमाग के अंदर उसका मंथन करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जितना ज्यादा मंथन करते हैं उतने ज्यादा वो नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, उतने ज्यादा वो नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये नर्वसनेस बढ़ती है अगेन, ये आपके इमोशंस को हर्ट करती है, इमोशन हर्ट हुए तो बॉडी हर्ट होती है, फिजिकल बॉडी में बीमारियां आ जाती हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको भी सास ने आज मुझे ये बोल दिया, क्यों बोल दिया, आप खाना पीना छोड़ के यही सोच रहे हो कि क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसके बारे में किसके साथ बात करूं, ये सब दिमाग में सोच सोच के नर्वसनेस बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी आ जाती है तब क्या करें, तब आप ये सबसे छोटे वाली उंगली, ये बेचारी छोटी सी है लेकिन बहुत मदद करेगी उस टाइम पर आपकी, इसको आप प्रेस करें 5 मिनट तक, प्रेस एंड पुल, रूल है प्रेस एंड पुल, प्रेस एंड पुल 5 मिनट, पूरा ध्यान इसमें रखें,
तो अगेन होगा वही कि आपका ध्यान जब इसमें आ गया है तो आपके अंदर से वो जो नर्वसनेस किसी सोच के कारण आपकी पैदा हुई थी वहां से धीरे धीरे करके वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो वो वहां से बिल्कुल निकल जाएगी, आप बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं पूरे हाथ के जो हमारे अलग अलग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और उन इमोशंस को कंट्रोल करके हमें एक हेल्दी साइड में लेके जाते हैं। इसीलिए इसको अल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं कि दवाई नहीं खा के अपने आप को आपने ठीक किया, अपने हाथ के कुछ पॉइंट्स को पकड़ के, कुछ पॉइंट्स को दबा के, प्रेशर दे के, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में मैंने बताया कि 800 रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करके, एक पॉइंट को प्रेस करते हैं आप, अगर उंगली के पॉइंट को प्रेस करते हैं तो यहां पर आपका जो पॉइंट होगा इससे रिलेटेड वहां अपने आप असर होगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नर्व्स जो हमारी बॉडी में फैली हुई हैं वो एक कम्युनिकेशन करती हैं आपस में, और जब वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है तो हमारी बीमारी दूर होना शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा अगर आप किसी छोटे बच्चे, कोई छोटा बच्चा बीमार है, आप उसके पास बैठते हैं, क्या करते हैं आप, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसका हाथ सहलाएंगे पकड़ के, क्यों क्यों वो अच्छा फील करेगा, क्योंकि यहां से उसके जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स है वो प्रेस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको प्रेस कर रही है, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके पास जा रही है और वो अच्छा फील करेगा। कहते हैं ना कि अगर कोई दुखी हो तो एक उसको एक टाइट सा हग दे दो, उससे क्या होगा, अगेन वही है कि उसके रिफ्लेक्स पॉइंट जो आपके हग करने से उसके डिप्रेस होंगे और जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जाएगी वो उसको ठीक कर देगी। अगर किसी को नौसिया है, टेंशन है, आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा है, उसको टेंशन बहुत ज्यादा है, उसको लग रहा है कि चक्कर जैसा आने वाला है, और ऐसे टाइम में अगर आप उसके हाथ को यहां से प्रेस कर दें, पाम को प्रेस करना है पाम को, तो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करेगा। तो ये बात अपने ऊपर भी लागू होती है, अगर खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आने वाला है या मैं बहुत टेंशन में हूं, अपनी पाम को प्रेस करें दोनों साइड से। तो इसकी समरी ये निकलती है कि हमारे जो रिफ्लेक्स पॉइंट है अगर हम उनको प्रेस करते हैं हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने आप को रिपेयर भी कर सकती है, अपने आप को हील भी कर सकती है, सिर्फ थोड़ा सा उसको मौका देने की जरूरत है। और मौका कब दे सकते हैं, जब हम एकदम से दवाई की तरफ नहीं उछल के अपने ये प्रेशर पॉइंट से या रिफ्लेक्स पॉइंट से उसको हील करने की कोशिश करें। तो जब आप अपने रिफ्लेक्स पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आपके इमोशंस काम डाउन होंगे, शांत होंगे, जो फितूर भर गया था गुस्से का या डर का या नेगेटिव थॉट्स का वो शांत हो जाएगा। जब इमोशन शांत होंगे तो माइंड शांत हो जाएगा, और जब माइंड शांत होगी तो बॉडी भी शांत होगी और स्पिरिट भी शांत हो जाएगी। तो आपका माइंड बॉडी एंड सोल का एक बैलेंस बन जाएगा, और जब ये बैलेंस होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती तभी है जब ये बैलेंस बिगड़ जाए, तो इस बैलेंस को ना बिगड़ने दें। ये पॉइंट्स को आप, ये जो थेरेपी है इसको अपना के देखें, अपनी हीलिंग खुद करें, अपने आप को खुद ठीक करें, अपने दोस्तों को ठीक करें, अपने परिवार वालों को ठीक करें, सबको ठीक करें और सब खुश रहें, ये मेरी कामना है। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।